छतरपुर में एक बार फिर मामा का बुलडोजर बदमाशों के आशियाने पर चला। स्थानीय संकट मोचन पहाड़ी पर बदमाश इरफान काटर के परिवार की सुबह आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन घर के बाहर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और आपराधिक गतिविधि के दौरान कब्जा करके बनाए गए मकान को प्रशासन ने जमी दोष कर दिया। मवाली इरफान काटर पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले थानों में दर्ज है। वो आपराधिक घटनाओं में लगातार शामिल रहता है, जिसको देखते हुए मामा का बुलडोजर उसके अवैध अतिक्रमण किए मकान पर चला। बताते हैं कि इरफान खान के आपराधिक गतिविधियों के दौरान कब्जा करके बनाए गए मकान को जेसीबी मशीन के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बदमाशों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो अपनी सरकार का प्लान चल रहा है इनका मामले के खिलाफ, इसके तहत ये चयन किया गया था। इनका पक्का मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और खान नामक व्यक्ति का उसका मकान याद हो रहा है। प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा सभी तरह की सरकार के संबंध में साथ में जो कार्रवाई है उनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज और साथ में जो प्रॉपर्टी के द्वारा एक्ट की गई है वो भी इलीगल तरीके से बनाई गई, जैसे कि नगर पालिका का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।